मित्रों, गंगा अगर नदी की दृष्टि से आप उसको देखोगे तो उसका अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। इसकी लंबाई, इसके किनारे पर रहने वाले गांव, शहर, आबादी, इसकी संख्या की दृष्टि से भी देखेंगे तो उसका अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। गंगा एक प्रकार से हजारों साल से, जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने साल से न केवल भारत, दुनिया को बहुत कुछ देने वाली एक संस्कृति का नाम और ये संस्कृति का परिचय ये गंगा है। और इसीलिए दुनिया में कोई शायद नदी के प्रति इतनी श्रद्धा जनमानस में नहीं देखी हो। हर भारतीय अपने घर में एक छोटी सी भी गंगा जल की एक कुपी या एक बोतल रखना चाहता है, न जाने कब अंत समय आ जाए, दो बूंद गंगा का जल मेरे मुंह में रख दे तो मैं सदगति प्राप्त करूंगा। ये श्रद्धा खड़ी होते होते, ये विश्वास खड़ी होते होते अनेक साल लगते हैं। और यही गंगा है, यही गंगा का किनारा है जहां एक सभ्यता का निर्माण हुआ, जो सभ्यता न केवल पूरी दुनिया में सबसे पुरानी है, पूरी दुनिया में सबसे कंट्रीब्यूट करने वाली सभ्यता है, सबसे ज्यादा योगदान देने वाली सभ्यता। चाहे भाषाओं की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे धार्मिक अनुसंधान की बात हो, चाहे अध्यात्म की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, समग्र विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति एक सबसे ज्यादा देने वाली, कंट्रीब्यूट करने वाली संस्कृति रही है। और वो संस्कृति का प्रतीक है गंगा। और इसीलिए गंगा का नाम देते ही देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, दुनिया की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जिनके मन में, जिसके मन में पूज्य भाव भी आता है, श्रद्धा भी उमड़ कर आती है और एक प्रकार का लगाव, चाहे वो दक्षिण में रहता हो, नॉर्थ ईस्ट में रहता हो, पश्चिम में रहता हो या पूरब में रहता हो, जहां गंगा हजारों किलोमीटर दूर है वहीं तक पहुंचता है। और ये जो सांस्कृतिक जुड़ाव भारत के जनजीवन के साथ रहा है वो वैसे ही नहीं बना है। गंगा जल की निर्मलता और अविरलता, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। हजारों औषधियों के बीच में से कल 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 कर कहकर बहती गंगा अपने जल के अंदर ही सैकड़ों औषधीय गुणों को समाहित करकर नीचे आती थी और कई सारे लोगों के जीवन को प्रदीप्त करती थी, नया जीवन देती थी। दुर्भाग्य से इस पर, इसके औषधियों गुणों के पर कभी रिसर्च नहीं हुआ। यही गंगा थी जो गंगा के किनारे 2300 किलोमीटर से लंबे किनारे पर करोड़ों लोगों के जीवन दायिनी बनी। जल के बगैर जीवन कैसे हो सकता है? यही गंगा ने अपने किनारे हजारों गांव, सैकड़ों शहर, सैकड़ों महानगरों को जीवन प्रदान करने का प्रयास किया और इसी के कारण हम जीवन प्राप्त किए। और भारत का अध्यात्म का इतिहास लिखना हो, ज्ञान का इतिहास लिखना हो, भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखना हो या भारतीय अर्थतंत्र का इतिहास लिखना हो, गंगा के बगैर वो संभव ही नहीं है।